श्री शरण की इच्छा रखने वालों को मेरा प्रणाम। विषय तो जीवन का होता है, लेकिन जब हम जीवन शुरू करते हैं, जन्म शुरू करते हैं, तो कोई कुछ भी विषय नहीं होता। हमारे विषय विषयों का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन के मार्ग देते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं किस दिशा में चलना है। हम चाहते कुछ और है, हमें मिलता कुछ और, हमने सोचा भी नहीं वो मिलता है। चाहत जिसकी जैसी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहने वाले के संग में चाहत अपनी रखें तो मजे की बात होती है। जो चाहत जिसकी है हमारे जीवन के प्रति, सचेत जो है हमारे जीवन के प्रति, हमारे प्रति, उसकी चाहत में अपनी चाहत बना लेना बड़े अच्छी बात। जब एक आदमी गलत होता है तो सही होने की उम्मीद रहती है, लेकिन सही को किस बात की उम्मीद होती है? सही को कोई उम्मीद नहीं होती। गलत ठीक हो सकता है, बिगड़ा हुआ समर सकता है, लेकिन जो समरा हुआ है वो कैसे ठीक होगा? जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे ही चलते हैं। इंसान बिगड़ने की चेष्टा करता है, फिर सुधरने की चेष्टा करता है, लेकिन बिगड़ा हुआ ही सुधर सकता है, थका हुआ ही आराम कर सकता है, दुखी ही सुखी हो सकता है। लेकिन सुखी और दुखी में अंतर है। दुखी आदमी हमेशा दुख की ओर बढ़ता है, सुखी आदमी हमेशा सुख की ओर बढ़ता है। जीवन है, हर चीज की खान इसके पास है, अपार है सब कुछ। जो दुखों में जीता है उसके पास दुख अपार है, जो सुखों में जीता है उसके पास सुख अपार है। आपके पास मार्ग हजार हैं, लेकिन एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग जो स्वयं तक पहुंचता है। बात करूं सूक्ष्म शरीर की तो अनेकों मार्ग हैं सूक्ष्म शरीर के भी, बुद्धि के संग भी वो भटकता है, तृष्णा वासनाओं में इंद्रियां भटकाती हैं, रात सोच विचारधारा में हम भटकते रहते, भ्रमण करते रहते हैं, कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, उनके विचारों में अनेकों ख्याल चलते रहते हैं, ख्याल में कोई बुरा भी आता है, अच्छा भी आता है। बहुत सारे लोगों के जो सपनों पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग जो सपनों पर विश्वास करते हैं, मुझे आज भयानक इंसान दिखाई दिया, या मुझे आज गाय दिखाई दी, या मुझे भैंस दिखाई दी, या मुझे कुछ और, मैं भ्रमण करने चला गया, आज मैं भगवान के दर पे चला गया, आज गुरु के दर्शन हुए, आज परम के दर्शन हुए। तो दर्शन तो होंगे, मन दिखाता रहता है, बुद्धि विचार लाती रहती है, किसी किसी ख्याल में चलता रहता है, और हम वही दृष्टांत देखते रहते हैं। हजारों मार्ग हैं दुनियादारी के भटकने के, लेकिन एक मार्ग है सीधा चलने का। आपके सूक्ष्म शरीर में तीन नाड़ियां हैं, एक एड़ा, एक पिंगला, एक सुषुम्ना। शरीर में वैसे तो अनेकों शक्तियां हैं, जब आप ध्यान भजन करते हैं एक एक शक्ति का एहसास होता है, एक एक शक्ति का प्रमाण मिलता है, आपको सदने और संवरने का अवसर मिलता है। साधना आपकी, बिना साधना के कोई सदता नहीं, लेकिन लोहार के पास जाके कोई भट्टी में ना जाए तो कोई लाभ नहीं। जब तक वो भट्टी में नहीं जाता तब तक लाभ नहीं होता। मूर्तिकार के पास कोई अपने आप को कटवाने पिटवाने नहीं जाता तब तक उसकी मूर्ति भी नहीं बनती। जब वो बनाता है ध्यान में धर के, क्या बनाना है उसी के ध्यान में होता है। कुम्हार की मर्जी होती है कि वो माटी का भविष्य क्या बनाए, परमात्मा की मर्जी होती है कि वो किसी इंसान का, किसी आत्मा का, किसी जीव का क्या बनाता है। कुम्हार की मर्जी होती है वो चाहे घड़ा बनाए या सुराही या कुछ और बनाता है, कुम्हार की मर्जी होती है।
कि उसका भविष्य क्या हो। आपका भी भविष्य आपके हाथों में है। आप एक आत्मा, एक ब्रह्म, अपने कर्म करके कैसा हम जीवन पाए। आत्मा तक हम पहुंचते नहीं, शैल हम होते नहीं, लेकिन भ्रमण करते रहते हैं, आने वाले दुखों को ही इंतजार करते हैं कि किसी ने कोई बोले गलत तो मैं उसका जवाब दूं, कोई लड़े मुझसे मैं उसको लड़के दिखाऊं। लेकिन प्रेम की भाषा हमें आती नहीं। प्रेम की भाषा सीखनी जरूरी है, प्रेम की भाषा को समझना जरूरी है। प्रेम की भाषा ही हमारे जीवन में, हमारे जन्म में जरूरी है। उसी से हमें मार्ग मिले, वैसा ही मार्ग मिले तो अच्छी बात है। हम करते क्या है, हमें ध्यान नहीं। हम बोलते क्या है, हमें ध्यान नहीं। जब हम हमारे करने पे हमारा ध्यान होगा, कुम्हार के करने पे कुम्हार का ध्यान होगा, मैं क्या बनाऊं, मैं क्या बनाऊं, उसके बनाने के ऊपर निर्भर है कि उसका बनाया हुआ पात्र क्या काम करेगा। जल शीतल करेगा या गर्म भोजन बनाएगा, तपेगा या फिर चमक के कोई मूर्त बनेगा, पूजा के काम में आएगा या किसी मरे हुए के काम आएगा, वो मर्जी उसकी है। ऐसे ही फूल हैं, ऐसे ही फूलों की का भविष्य है कि तोड़ता माली है लेकिन वो जाते कहाँ हैं, भविष्य कौन करता है तय, ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि किसी अर्थी पे जाएंगे या किसी पूजा के थाली में सज के भगवान के चरणों में, किसी के गले का हार बनेंगे या किसी के पांव के तले कुचला जाएगा। फूलों का भी भविष्य है, तैयार कौन करता है, प्रकृति करती है। प्रकृति कैसे करती है, प्रकृति के गर्भ में, प्रकृति के पास हमारे कर्मों का सब लेखा जोखा होता है, उसके अनुसार वो आपको मार्ग देती है। हमेशा अपने को जानना, हमेशा परम को जानना, हमेशा प्रेम वाले मार्ग पर चलना, नफरत अपने भीतर ना हो, जिम्मेदारी अपनी हो, समझदारी अपनी हो, हम किस प्रकार चलें, बहुत सुंदर बात है। बिगड़ा हुआ जीवन में बहुत सारे आदमी नशे के आदि होते हैं, बहुत सारे आदमी लोभी होते हैं, बहुत सारे क्रोधी भी होते हैं, बहुत सारे अभिमानी भी होते हैं। तो उन चीजों से आप निवृत्त हैं या नहीं, ये आपको देखना है। क्या बड़ी खुशी का, बड़े धन का, ऐशो आराम का आपके भीतर अभिमान है? अगर आप तुच्छ रहें, जो चोरी ना करें, आप चोरी ना करें, उस चोरी से आप बचें, तो आप अपना जीवन बिल्कुल सुंदर बना सकते हैं। लेकिन चोरी किस प्रकार की चोरी है, ये आप समझेंगे। आप अभिमान करते हैं अपने घर पे कि घर मेरा, जबकि आपका नहीं है। दुनियादारी सराय है, आप आए हैं जाने के लिए। भूमि प्लाट आपके पास होते हैं, आप उस पर मालिकाना हक रखते हैं, यहां तक कि शरीर को पे भी मालिकाना हक रखते हैं। लेकिन क्या मालिक हैं आप? नहीं। क्या ये शरीर भी मालिकाना, क्या शरीर की चोरी नहीं की आपने कि ये मेरा, क्या आपने अपना नाम रखा कि आपका है? नहीं। क्या भूमि, क्या धन दौलत, क्या इंसान, हाँ आप अपना हक रखते हैं, अपने बच्चों पे भी अपना हक रखते हैं, मेरा बेटा किसका, मेरा नाम रखा जाता है, आप भी मानते हैं। लेकिन वो मानने से आप वंचित रहे तो मजे की बात है। आप जानते हैं कोई किसी का नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं, लेकिन हम चोर हुए या नहीं, हम चोर हुए या नहीं, ये समझने की बात है। सत्य को जानना, सत्य को समझना, अपनी आंखें खोलना, ये जरूरी है। कर्म करना जरूरी है, संभालना जरूरी है, प्रकृति और परमात्मा ने जो दिया हो संभालना जरूरी है। लेकिन ये जान के ये मान के कि ये मेरा नहीं, ये तेरा है, और तूने जो दिया है जिम्मेदारी मुझे दी है, जो हमें काम दिया है, वो हम अपनी ईमानदारी और वफादारी से निभाते हैं। बात कहते हुए बड़ा मजा आता है। अपनी चोरी, क्या हम चोर नहीं है? क्या जो हमारा नहीं उस पर अपना हक नहीं जमाए हुए हैं? अपना हक किस पे रखें? कुछ भी तो नहीं अपना, कौन क्या लेके जाएगा,
साथ इसको पता लगेगा, जो जो शरीर के भीतर है, जो जो भी कुछ है, वो सब कुछ यही रह जाएगा। चाहे भूमि के टुकड़े हैं, चाहे रिश्तों की लाइन है, चाहे धन के अंबार हैं, आपका ऐशो आराम, आपके यश, कुछ भी तो नहीं जाएगा। दान किया, धर्म किया, फर्ज निभाए, जिम्मेदारी निभाई, निभाने जिसके साथ निभाए वो निभाने आएगा, आपके संग निभाने आएगा। लेकिन कम से कम चोरी तो नहीं करनी चाहिए। जब आप समझ जाएंगे कि ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये रिश्ते नाते, ये घर परिवार मेरा नहीं है, कोई संग चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ तक कि शरीर जब प्राण रहित होगा, जब आत्मा निकल जाएगी, जब इसके भीतर से सूक्ष्म शरीर ना दिखने वाला विद्युत का शरीर जब पंख लगा के उड़ जाएगा, तब इस शरीर का भी एक एक पल भारी होगा कि जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो जाएगी। बहुत अधिक समझदार आदमी भी पूरी क्रिया करते हैं, कहीं भटके नहीं, कहीं हमें परेशान ना करें। तो कहाँ आपके हुए, कहाँ अपने हुए? कोई नहीं। सब जतन करते हैं, प्रेम से नहीं करते, डर से करते हैं, कहीं हमें परेशान ना करने लग जाए, कहीं हमें परेशान ना करने लग जाए। लेकिन शरीर में रहते रहते परेशानी होती है, शरीर से निकलने के बाद कोई परेशानी नहीं होती, वो अपने सफर पे, आप अपने सफर पे। लेकिन भय करके, भय मान के आप उसको वापस बुलाते रहते हैं, भय मान के याद करके उसको वापस बुलाते रहते हैं। लेकिन याद भी हो, लेकिन श्रद्धा और भाव भी हो, परमात्मा के प्रति भाव आपका हो, तो वो आत्मा भी को भी मिलेगा। आत्मा के प्रति हो तो परमात्मा को मिलेगा, क्योंकि असली सफर शुरू होता है, असली सफर शुरू होता है। इसीलिए हम चोरी से जितने बचेंगे, करेंगे, निभाएंगे, लेकिन उसका मानेंगे। बड़ी सुंदर बात एक याद आती है राजा जनक की। राजा जनक बड़े विद्वान थे, बड़े संत मन थे, बड़े सुंदर थे, अच्छा स्वभाव था उनका, बड़ा ज्ञान था, बड़ा ध्यान था, बड़े बड़े साधु संतों से वो ऊपर थे, लेकिन गुरु नहीं था। उनकी इच्छा हुई एक बार कि मुझे गुरु बनाना है, मुझे गुरु की आवश्यकता है, मुझे गुरु चाहिए जो मुझे ज्ञान दे दे। आत्मा से बढ़कर ज्ञान किसी के पास नहीं होता। आप भी आत्मा हैं, आप पूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन बंधनों में बंधे हैं, मेरा मेरा करके सब जकड़े हैं। लाभ क्या? कुछ भी तो नहीं। छूट जाए बेकार की माया, बेकार का मोह, जान ले सच्चाई को तो अच्छी बात है। गुरु बनाने की इच्छा राजा जनक की हुई। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत आए, नहीं काम चला। बात इतनी थी कि इतनी देर में मुझे ज्ञान दे दे कि मैं घोड़े के पायदान पे पांव रख के उसके ऊपर बैठ जाऊं। बात समझने की है, बात जानने की है। सब बेकार हुआ, कोई उनको इतना ज्ञान नहीं दे पाया। अष्टावकर बड़ा अच्छा साधु, बड़ा सुंदर साधु, अष्टावकर बड़ा ज्ञानी साधु, ज्ञान से भरा हुआ आए आठ जगह से। वो कारण था पिता की त्रुटि, पेट में ही रहते रहते उसने बता दी। त्रुटि कोई किसी की, गलती कोई किसी की निकालता है तो क्रोध बड़ा आता है। पिता ने पेट में उसको लात मारी और उसका शरीर आठ जगह से मुड़ गया। वो कारण अलग था, लेकिन उस दरबार में, राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र आया, सब लोग देख के हंसने लगे, क्योंकि आठ जगह से उसकी शरीर की भुजाएं मुड़ी हुई थी। कहीं कभी किधर से टेढ़ा है, कभी किधर से टेढ़ा है, टेढ़ा और मेढ़ा, सब देख के हंसते हैं। थोड़ी देर बाद अष्टावक्र भी उनको देख के हंसता है।
राजा ने उनका मान सम्मान किया। राजा ने पूछा, महाराज इनके हंसने का कारण तो पता लगता है लेकिन आपके हंसने का कारण नहीं पता लगा। तब अष्टावकर कहते हैं, राजन ये तो हंसे मेरे शरीर पे, मेरा 8 जगह से शरीर मुड़ा हुआ है। मैं हंसा इस बात पे कि ये जो आपने भर्ती करे हैं अपने दरबार में, इस सब चमड़ी का काम करने वाले हैं, चमड़ी को चाहने वाले, चमड़ी को देखने वाले हैं, अच्छे शरीर को जानने समझने वाले हैं, लेकिन ज्ञान को परखने वाला कोई भी नहीं। इन सब दरबारियों में ज्ञान को परखने वाला कोई नहीं, मेरे ज्ञान को इन्होंने नहीं देखा, मेरे शरीर को देखा। तो शरीर को चाहने वाले हैं, चमड़ी को चाहने वाले हैं, इसीलिए चरमकार है, सब चरमकार है। राजा ने बड़ा श्रद्धा और भाव से उनको अपने सिंहासन पर बिठाया। अष्टावकर ने पूछा, राजा क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। हाँ महाराज ज्ञान चाहिए। ठीक है, जो मैं मांगूंगा दोगे? राजा जनक ने कहा, हाँ महाराज मैं दूंगा, जो आप मांगोगे मैं दूंगा। अष्टावकर ने कहा, ठीक है मुझे अपना तन मन और धन दे दीजिए। राजा ने एक पल गंवाए, कहा कि ठीक है महाराज दिया। राजा टहलता राजा से कहा, नहीं महाराज टहलना नहीं, ये शरीर मेरे अधीन है। कुछ सोचने लगा, अपने दरबार के अपने महल की तरफ झांकने लगा, देखने लगा, नहीं महाराज वो सब मेरा है, दे चुके हैं। कुछ सोच विचार करने लगा, नहीं ये मन भी मेरा है, कुछ करने की चेष्टा नहीं। राजा जनक बड़ा ज्ञानी था, सब कुछ ले लिया, सब कुछ दे दिया, जान के बिल्कुल उसी अवस्था में खड़ा हो गया जिस अवस्था में कोई कंगाल खड़ा होता है। अब अष्टावक्र कहता है, राजा कैसा लगता है? राजा ने कहा, महाराज जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं आपके अधीन हूं और जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा, जैसा आप कहेंगे वही मैं करूंगा। बड़ा हल्का अनुभव होता है, न राजकाज का भार है, न कुछ और करने की चिंता, आपकी आज्ञा का पालन बाकी मात्र रह गया। राजा पल में समझ गया, ज्ञानी था। हम लोग अच्छे सत्य के संग में जाते हैं, अच्छे सत्य के संग में जाते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। गुरुजन हमें बड़ा ज्ञान देते हैं लेकिन हम समझते कुछ भी नहीं। गुरुओं का ज्ञान मिलता लेकिन समझते कुछ भी नहीं, जानते कुछ भी नहीं, समझने वाला। तब अष्टावक्र कहता, ठीक है महाराज सब कुछ मेरा है, आप राज करो लेकिन मेरा जान के, मेरा मान के, मेरा मान के, मेरा जान के राज करो। राजा जनक उनके चरण में लिपटा और कहा, महाराज आप धन्य हैं, मुझे ज्ञान हो गया। आप लोग समझे आपको ज्ञान कैसे होगा, आप लोग समझे आपको ज्ञान कैसे होगा। राजा जनक को तो ज्ञान हुआ, अपने गुरु का मान के सब कुछ छोड़ दिया, गुरु का मान के राज किया, काज किया, स्वयं एक फकीर की तरह, एक साधु की तरह, एक संत की तरह जीवन जिया। न किसी का मोह, न किसी का लोभ, न माया, न क्रोध, बड़ा सुंदर जीवन रहा। उसी प्रकार हम अपने जीवन में पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन किस प्रकार की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो हमारे लाभ की नहीं। जीवन में धन बढ़ाने की पढ़ाई है, जीवन में यश बढ़ाने की पढ़ाई है, दुखी होने की पढ़ाई है, दुखों को याद करने की पढ़ाई है, याद रखने की पढ़ाई है, जैसे को तैसा करने की पढ़ाई है, बदले की भावना की पढ़ाई है, दूसरे के पांव पर, दूसरे के सर पे पांव रख के आगे बढ़ने की पढ़ाई है, द्वेष की पढ़ाई है, निंदा की पढ़ाई है। लेकिन ये पढ़ाई क्या हमारे काम की है? नहीं। द्रोणाचार्य महाभारत काल में पांडवों के गुरु थे, अपने आश्रम में पढ़ाते थे सबको, सबको रोज का पाठ पढ़ाते थे, सुबह सुनते थे। एक दिन पाठ पढ़ाया और सब ने पाठ सुना दिया सुबह सुबह,
लेकिन युधिष्ठिर खड़ा हो गया, महाराज मैं अब भी मुझे याद नहीं कि छोटा सा शब्द है, छोटा सा एक लाइन है, वो तो याद नहीं कर पाए। इस सब के सब लाइन याद करके आए हैं कि कभी झूठ मत नहीं बोलना। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज आपने सत्य बोलने के ऊपर बल दिया है, लेकिन सत्य जवान से नहीं मैं अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, धर्म मैं अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। मैं उसी धर्म के संग जीऊं, उसी सत्य के संग जीऊं, लेकिन मैं अभी वो कर नहीं पाया। नहीं, हम तो जबान से बोलते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं, अपनी जय जयकार भी स्वयं करते हैं, अपने अच्छे कामों का, अच्छे कारणों का हम हमेशा जिक्र करते हैं, एक बार नहीं 1000 बार जिक्र करते हैं अपने अच्छे कामों का, लेकिन बुरे कामों का कोई जिक्र नहीं करता। बुरे काम तो कोई सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन बुद्धि है बड़ाई की भी भूखी है, बड़ाई में फूली रहती है। लेकिन क्या लाभ उस बात का कि आप सही मार्ग पे हैं, ये जानना जरूरी है। क्या आप सही मार्ग पे हैं, ये जानना जरूरी है। स्वयं को दुखी होने के मार्ग 1000, सुखी होने के मार्ग भी लाखों हैं। यहां तक के दुख के मार्ग थोड़े हैं, लेकिन सुख के बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हम फिर भी दुखी मार्ग को ही खोजते हैं, हमें हमेशा त्रस्त रहते हैं, धन के अभाव में रहते हैं, मान और सम्मान के अभाव में रहते हैं, पीड़ा रहती है, लेकिन कर्म हम फिर भी नहीं सुधार पाते, छोड़ना हम फिर भी नहीं चाहते, त्यागना हमें आता नहीं, छोड़ना हमें आता नहीं। बुराई को नहीं छोड़ पाएंगे तो कैसे रह पाएंगे, बुराई में ही लिप्त रहेंगे। स्वयं को धोना हमें आता नहीं, मन हमेशा मैला रहता है, मन हमेशा मैला रहता है, दूसरों के प्रति हम दूसरों का ही ख्याल करते रहते हैं, दूसरों की बुराइयों को ही धोते रहते हैं, उन्हीं के चक्कर में फंसे रहते हैं, दूसरों के कर्मों को ही हम याद रखते हैं। लेकिन क्या अपने कर्मों की तरफ हमने ध्यान दिया है, हमारे कर्म कैसे हैं, हम किस प्रकार हमारा स्वागत होगा जब हम निकलें भंवर से। इस भंवर से निकलना, भंवर से भी आप निकल सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान, आपकी समझदारी से ही आप जाके ही आप बाहर निकल सकते हैं। जब जाना होगा परले पार, जब हरि शरण मिलेगी, इस शरीर त्यागना होगा, शरीर त्यागने के बाद आपका क्या होगा, क्या ये समझा है, क्या ये जाना है। अगर अच्छे कर्म होंगे, सच्चाई और अच्छाई होगी, परमात्मा के प्यारे होंगे, तो परमात्मा स्वयं मिलेगा। कोई कोई होता है जिसके लिए भगवान खुद आते हैं, कोई कोई होता है जिसके लिए भगवान खुद आते हैं, नहीं तो कोई कोई ऐसा भी होता है कि उसको जबरदस्ती निकालना होता है। वो मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई मरने के लिए तैयार है, कोई अपनी इच्छा शक्ति से मरता है, लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा जीने की चाह ही रहते हैं कि जैसे वो अमरता चाहते हैं। दुखी रहते हैं लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहते, दुखी रहते हैं लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहते, लाचारी होती है लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहते। दुख सहने की आदत, दुख सहने में ही उनको मजा आने लगा है। दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, लेकिन फिर भी मरना नहीं चाहेंगे। जब समय आता है, समय आता है, एक बुढ़िया जंगल से लकड़ियां काटती थी, बेचती थी, अपने लाचार पति की सेवा करती थी, भोजन करती थी। ये करते करते उसके शरीर कमजोर हो गया बुढ़ापे में। एक दिन वो लकड़ी का भरोटा बांधा, गठड़ बांधा, उठाने लगी तो उठा नहीं, क्योंकि भारी था, शरीर कमजोर था, गठरी भारी थी, नहीं उठी तो रोने लगी, धोने लगी, भगवान को पुकारने, हे भगवान मुझसे ये गठड़ी उठती नहीं, इससे अच्छा तो मुझे उठा ही ले। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, भगवान तो मुझे उठा ले, ये जब गठड़ी नहीं उठती तो मैं क्या करूं जी के, मैं कैसे निभाऊं,
भगवान आ गए, ठीक है, उठाने की बात कहती, अपने संग लेके जाने की बात कहती, चल मेरे संग। कहां तूने कहा कि मुझे उठा ले, ले जा और कर्म मुझसे नहीं होगा। और जब भगवान आ गए तो बुढ़िया के मन में दूसरी भाषा, दूसरी बातें हो गई। उसको अपना पति, अपाहिज पति याद आया। नहीं नहीं भगवान, मैं जाना नहीं चाहती, कौन सेवा करेगा मेरे पति की, कौन लकड़ियां काटेगा, कोई बात नहीं, गठर तो मैं कम कर लूंगी, हल्का कर लूंगी, हल्का करके उठा लूंगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। दुखी होकर लोग सब कहते हैं मुझे मौत आ जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन तरीका जीने का कोई समझना नहीं चाहता, जीने का तरीका कोई समझता नहीं। जब भगवान चाहता है कि चल मरना है तुझे, फिर वापस भागते हैं कि नहीं मुझे मरना नहीं है, मेरा तो अब ये काम बाकी है, मेरा तो ये काम बाकी है, उसको बाकी काम नजर आते हैं, जो कर लिए वो ध्यान में नहीं होते, लेकिन वापस भागते हैं। सबकी यही आदत है, सबकी यही इच्छा है, भगवान की मर्जी सौंप दिया जब ये जीवन का भार उसके चरणों में, तो फिर वही मालिक है, वही उसी की मर्जी चलनी भी चाहिए। तो आपको, आपने अपना जीवन किसके हाथों में दिया है, स्वयं के हाथों में या नौकरों के हाथों में, बुद्धि के हाथों में या इंद्रियों के हाथों में, मन के हाथों में, या फिर आत्मा यानी आप स्वयं ब्रह्म के हाथों में? आपको इस बात का तो भान और ज्ञान होना ही चाहिए। गुरु की शरण, बड़ी सुंदर बात कही है, भजन की आदत, सुबह और शाम ध्यान की आदत, रोज मिलना अपने प्यारे से, रोज मिलना अपने प्यारे से, रोज की आदत सुंदर हो, अच्छी बात हो, रोज की आदत हो, सुंदर हो, अच्छी आदत हो, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की आदत आपको लग जाए, उस सच्चे आनंद की आदत आपको लग जाए, उस सच्चे प्रेम की आदत आपको लग जाए, फिर आपको कोई भय नहीं। जब आपने काम ईमानदारी वफादारी से किया है, फिर आपको डर नहीं। अब जब आपने किसी के लिए निंदा नहीं की, किसी के लिए बुरा नहीं बोला, किसी के लिए बुरा नहीं किया, तो फिर डर नहीं होता। लेकिन डरता वही है जिसमें कमी होती है। अगर हमारे भीतर कमी नहीं तो डर भी नहीं, अगर कमी है तो डर भी है। लेकिन हम काम अपना पूरा करें, चाह के ईमानदारी से, वफादारी से अपना काम हम पूरा करें, लेकिन कई चीजें हैं दुनियादारी में आवश्यकता है सच्चे प्रेम में की, लेकिन दुनियादारी तो झूठा प्रेम करती है, स्वार्थ का प्रेम करती है, उसका स्वार्थ सिद्ध हुआ और फिर सब अपने अपने मार्ग पे, सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। आप किस तरह के आदमी हैं अपने आप को समझें, आप किस तरह के इंसान हैं अपने आप को समझें, आप क्या चाहते हैं, आप भी स्वार्थी हैं या नहीं स्वार्थी, नहीं पता कितने दिन की जिंदगी है, लेकिन अमरता का वरदान हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सोच के भी हम नहीं जीते कि एक ना एक दिन मौत सत्य खड़ी होकर हमारे सामने होगी। इसीलिए रोज सांझ सवेरे भगवान का भजन करें, रोज जो बुराइयां हैं, रोज जो दुख का कारण है, उन चीजों को हम छोड़ दें, हटा दें, उसी प्रकार जिस प्रकार कोई ऊपर से कोई वस्तु आके जमीन में धस जाती है, गिरती है। जब आप जिस चीज को छोड़ देंगे तो अपने आप ही दूर हटती चली जाएगी, जिस चीज को पकड़े रखेंगे वो आपके पास रहेगी। दुखों को अपने पास पकड़ा हुआ है, नाकामयाबियों को अपने पास पकड़ा हुआ है, आप चाहते कुछ और हैं लेकिन प्रकृति कुछ और देती है, लेकिन प्रकृति का माध्यम है आत्मा के संग, चाहे आप प्रकृति आपको समझाने की चेष्टा करती भी है नहीं भी करती, करती है सही राह दिखाने की चेष्टा करती है, अच्छे योगी सत्य के संग करने वालों की, अच्छे योगी सत्य का संग करने वालों की संगत आपको दिलाती है, लेकिन प्रकृति का एक ही स्वार्थ है, प्रकृति का एक ही स्वार्थ है कि आपका, आपसे संसार बढ़वाए, आपको उलझाए, जन्म और मरण का फिर आपका चलता रहे। आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, कोई और आपको जन्म देगा, किसी और माध्यम से आपको जन्म मिलेगा, आपने कर्म निभाए यहां इस जीवन में, गलत भी हो सकता है स्वयं से
और ठीक भी हो सकता है स्वयं से। हमारी बुद्धि सधी हुई है तो कभी गलत नहीं करेगी, बुद्धि अगर सधी हुई नहीं है तो गलत करने की उम्मीद रहती है, आशंका रहती है, क्योंकि स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, लेकिन प्रकृति बाध्य करती है संसार बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो प्रेम और पांच भूत इंसान के शरीर में प्रबल करती है। पांच भूत प्रबल करती है, लेकिन पांच भूत तो प्रबल हो गए लेकिन पांच तत्व तो निर्बल हो गए, वो अपने आप ही निर्बल होते चले जाते हैं, हमेशा रोग दोष शरीर में बढ़ते रहते हैं, जबकि शरीर हमारा आखिरी सांस तक हमारे संग रहेगा, साथ रहेगा, इसको स्वस्थ रखने की हम कोशिश नहीं करते। जो ये चाहता है, जिस प्रकार से स्वस्थ हो, वो प्रक्रिया हम जानना नहीं चाहते, ना ही करना चाहते, आपकी रुचि नहीं, क्योंकि दुनियादारी की आदत यही है। लेकिन जो स्वयं के जीवन पर ध्यान देता है वो कर पाएगा, लेकिन जो औरों के जीवन पर ध्यान रखे हुए है, कौन कैसा करता, मैं भी वैसा ही करूं, छोड़ दीजिए, क्या लाभ है? उसका जीवन है वो अपने अनुसार चलाएगा, आपका जीवन है आप अपने अनुसार चलाएं, लेकिन आप में वो सामर्थ्य नहीं है, आप अकेले से अपने जीवन को नहीं निर्धारित कर पाते, बड़े दुख की बात है। लेकिन जब आप अपना जीवन निभाने की, स्वयं अकेले अकेले चलने की आदत आपकी होगी तो परमात्मा आपके संग होगा। जब आप दुनियादारी में फिरेंगे तो दुनियादारी का संग रहेगा, लेकिन जब आप अकेले अपने जीवन को निर्धारित करते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों का ही मेल होगा, तब परमात्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। दुनियादारी के मार्गदर्शन में रहना चाहते हैं या परमात्मा के मार्गदर्शन में रहना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अकेले में हमें डर लगता है, अकेले हम ठीक होने का अंदेशा नहीं रहता, लेकिन चलना अकेले को, आपको समझ आएगा आप सही मार्ग पे हैं या गलत मार्ग पे हैं, गलत मार्ग पे हैं तो उसका भी पता लगेगा, सही मार्ग पे हैं तो उसका भी पता लगेगा, आपको स्वयं पता लगेगा। इसलिए अकेले चलना, अकेले समझना, अकेले ही दरिया पार करनी है, अकेले ही जीवन पार करना है, किसी का संग, क्योंकि कुछ संग आपके जाएगा ही नहीं, क्योंकि इस दुनियादारी से या धर्म और कर्म में या फर्ज में कोई आपके संगी नहीं रहेगा। बाहर की दुनियादारी में आपको मार्गदर्शन कोई अच्छा करता है, आप अच्छी राह पे पहुंचते, अच्छे कर्म करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी अच्छे आपको मार्गदर्शन करें। दुनियादारी में सब तरह के हैं, गलत मार्गदर्शन करने वाले भी हैं, दुनियादारी में बहुत गलत मार्गदर्शन करने वाले भी, लेकिन आपसे सुंदर मार्गदर्शन किसी का भी नहीं, एक ब्रह्म से एक आत्मा से सुंदर मार्गदर्शन किसी का भी नहीं। बात यही है, अपने बुद्धि अपने मन को समझा के रखें, हर कर्म करते समय, हर जीवन जीते समय अपने मन को कहें मुझे करना क्या है, ये चाहिए। दुनियादारी में ठीक है, मान सम्मान अपनी गरिमा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन बहुत जरूरी भी नहीं। प्रकृति हर किसी को अपने अंजाम तक पहुंचाती है, क्या ढोल नगाड़ों के साथ ही वो अपनी मंजिल तक पहुंचना उचित रहता है? लेकिन वो उसके व्यवधान है, वो उसके व्यवधान है कि ढोल नगाड़ों के साथ वो जीवन जीना चाहता है या अकेले ही चलते चलते अपने मंजिल को पाना चाहता है। तो यहां एक मार्ग आपका, आपके पास, उसको समझे। दुनियादारी के अनेकों मार्ग हैं, परमात्मा की तरफ भी अनेकों मार्ग हैं, जिसने जैसी रुचि की, जैसा अपने आप को समझ लिया, जैसा ब्रह्म ने बता दिया, जैसी आत्मा ने बता दिया, वैसा ही इंसान चलता रहता है। तो ये तो था आपका स्वयं का मार्गदर्शन करना, स्वयं का मार्गदर्शन स्वयं करना। अब उस तरफ चलते हैं जो अच्छाई की तरफ है, सच्चाई की तरफ है, ये तो आपको पता है हर चीज का, हर बात का, लेकिन उसको गहराई से, उसको सच्चाई से जान लेना। लेकिन आप ऊपर ही ऊपर रहते हैं, आपका मन ऊपर ही ऊपर रहता है, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करता। लेकिन यहाँ भीतर प्रवेश करना बनेगा और बनता भी है, और चाहिए भी प्रवेश करना। आपके शरीर में तीन नाड़ियां हैं, तीन नाड़ियां, उनको साधना जरूरी है।
एड़ा पिंगला और सुषुम्ना, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी वायु की नाड़ी, वायु पे प्राण बहते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी आपके दसवें द्वार से बाहर भ्रमण करने की इच्छा आपकी पूरी करती है, साधना करने की आपकी इच्छा पूरी करती है, ध्यान में प्रवेश करने के बाद समाधि में प्रवेश करने की आपकी इच्छा पूरी करती है, समाधि में आप पहुंच सकते हैं बिल्कुल नीले आकाश के नीचे, नीले आकाश के नीचे बहुत आकाश को छूते हुए बहुत ऊंचे पहाड़, बिल्कुल सुंदर नीले आकाश आपका और ऊंचे पहाड़ बहुत सुंदर अनमोल, जैसे आपको बुलाते हैं, जैसे आपको चाहते हैं, जैसे आपसे मिलने की वो इच्छा रखते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही आप शुरू कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ख्याल तो आएंगे, ख्याल तो होंगे आपके भीतर, कल्पना भी होगी, लेकिन कल्पना शक्ति अपार, शक्ति का मतलब है पूर्ण, कल्पना शक्ति पूर्ण, इच्छा शक्ति हो पूर्ण, लेकिन शक्ति जहां जुड़ जाती है वहां पूर्णता शुरू हो ही जाती है, जहां शक्ति जुड़ जाती है वहां पूर्णता हो ही जाती है। ये आप जानेंगे समझेंगे, आपके भीतर अनेकों प्रकार के रंग और प्रकाश बढ़ते रहते हैं, परमात्मा ने आप भीतर जाएं या बाहर जाएं बात एक ही है, महादेव जी आपके भीतर प्रवेश कर जाएं या आप महादेव जी के भीतर प्रवेश कर जाएं बात एक ही है, वो परमात्मा है, आपके भीतर भी और बाहर भी है, लेकिन इस शरीर के भीतर सूक्ष्म स्वरूप में है आप भी और परमात्मा भी, इस शरीर के भीतर सूक्ष्म स्वरूप में है आप भी और परमात्मा भी, लेकिन उनको जानना, उनको समझना, उन्हीं के संग काम करके कार्य करना, उनके संग आगे बढ़ना, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये मार्ग है आपके ध्यान और साधना का, अपने आप को एकाग्र करने का, स्वयं से मिलने का, दुनियादारी को छोड़ने का, दुनियादारी से पीछे हटने का, राजा जनक की तरह परमात्मा का सब कुछ मान के जीवन जीना, ये आपके लिए उचित रहेगा, अच्छा भी रहेगा, ये आप समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं कि क्या है मेरा और क्या है तेरा। यहां सब कुछ तो तेरा है, लेकिन मैंने मान लिया मेरा है, लेकिन सत्य नहीं, सत्य यही है, बस एक मैं तेरा, बाकी सब कुछ तेरा, बस एक तू मेरा, बाकी सब कुछ तेरा, बस एक तू मेरा, बाकी सब कुछ तेरा। आप अपना अजप्पा जाप किसी भी तरह चला सकते हैं, आप अपना अजप्पा जाप किसी भी तरह चला सकते हैं, अपने भीतर का मंथन किसी भी रूप में स्वरूप में बदल सकते हैं, लेकिन मालिक की सेवादारी से चाकरी करनी जरूरी है। तो ये नाड़ियों के माध्यम से आप बाहर भ्रमण करने क्रिया करें, साधना करें, साधु संत ऋषि मुनि अपने नियम के अनुसार भजन भी करते थे, समाधि में भी प्रवेश करते थे, ध्यान में भी रहते थे, भक्ति भी करते थे, हठ भी करते थे, तू नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, हठ भी करते थे, तू नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, कुछ धीरे धीरे जैसे कुएं के पत्थर पर पानी खींचते खींचते रस्सी निशान बना देती है, कुछ ऐसे ही भगवान के भीतर भी अपनी जगह बना लेते हैं निरंतरता से। तो आपको निरंतरता करनी है, आपको जानना है, आपको समझना है, बात आपका दुश्मन कोई भी नहीं, जब किसी से कोई वास्ता ही नहीं, जब किसी से कोई वास्ता ही नहीं, दुश्मनाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जब आपका प्रेमी एक है तो दुनियादारी में कोई प्रेमी नहीं, वो प्रेमी बाहर के लिए बस बोल चाल संगत कुछ समय सफर करने के लिए साथी बनाने के लिए आप प्रेम कर सकते हैं, आपको भी पता है उस देर बाद बिछड़ जाना है, इसको अपने राह पे चले जाना है, मुझे अपने राह पे चले जाना है, तो वो रिश्ते, लेकिन हम उन्हीं रिश्तों में किरदारों में फंसे रहते हैं। किरदार आप समझते हैं, जब कोई साथी सफर में चलता है, चाहे आपका बेटा बेटी, चाहे भाई बंद, चाहे पत्नी, ये सब किरदार है, ये सब किरदार है, आपका भी किरदार है, कितने समय में कौन सफर करेगा, लेकिन हम उनके बिछड़ने से वो अपने सफर पे चलते हैं, हम उनके बिछड़ने से हम रोते और पीटते अपने आप को तहस और नहस कर लेते हैं,
उनकी याद में जीवन बिता देते हैं, जो साथी थे, जो राही थे, राही में सफर बने, हम सफर बने थे, जो साथी बने थे सफर में, हम उन्हीं के पीछे रहते हैं। जान लीजिए, आप अपने माता और पिता के सामने खड़े हैं तो क्या है, एक पुत्र के किरदार में, पत्नी के सामने खड़े हैं एक पति के किरदार में, और अपने बच्चों के सामने खड़े हैं तो एक माँ बाप के किरदार में, एक माँ बाप के किरदार में, दुनियादारी समाज के सामने खड़े हैं तो सभ्य नागरिक के किरदार में। तो इन किरदारों का, ये किरदार आपके सामने है, आप समझ सकते हैं ये किरदार निभाते हैं, लेकिन नहीं, आप कहते हैं ये परिवार किसका, मेरा, ये माँ बाप किसके, मेरे, ये पत्नी किसकी, मेरी, जबकि वो आत्मा उसी परमपिता की अधीन है और आप भी उसी परमपिता के अधीन हैं, आपके रिश्ते हैं। किरदार निभाने से आप सत्य घटना, सत्य जीवन मान लेते हैं। किरदार निभाना है लेकिन सत्य मान लेते हैं, सत्य जान लेते हैं। बड़ी गहराई की बात है, आप उस बात को समझें, बड़ी गहराई की बात उस बात को समझें कि आप किरदार निभाने आए हैं। अपने कुछ पल, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए आप संग संग चले और गहरे रिश्ते बना लिए। थोड़े समय के लिए चले लेकिन उसके बाद राही अपनी राह पे चले, लेकिन हम उसके ही चाहत में भटकते रहे, हम उसी की चाहत में भटकते रहे। तो ये बात क्या आपकी सही है, क्या इस बात को आप समझ सकते हैं, या ये झूठी है? लेकिन जो मोह में आप फंसे हैं ये बात झूठी लगेगी, मोह को आप छोड़ना नहीं चाहते। मैं कैसे छोड़ूं अपने बच्चों को, मैंने जन्म दिया है, अपने गर्भ में रखा, मैंने अपना दुखी होकर उनको पाला पोसा है, जबकि ये वो कर्म था आपका, वो धर्म था आपका, लेकिन परवरिश कौन करता है, प्रकृति करती है, परवरिश कौन करता है, प्रकृति करती है। तो ये तो थी बात आपके किरदार की, समझने की, मार्ग खोजने की, स्वयं को जानने की। एक गुरु का मार्ग होता है जो आपके भीतर बैठे विराजमान है, उस सूक्ष्म शरीर में, उस ब्रह्मांड में, पांच तत्व का शरीर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आकाश एक मुख्य तत्व है जिसमें ब्रह्म का निवास स्थान, ब्रह्म रहता है आकाश में। आपके कानों को उस ब्रह्मांड की जो प्रवेश करते हैं, आपके ऊपर, सर के ऊपर प्रकाश का गहरे प्रकाश फैलता हुआ, आपके कानों में उस ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाई देगी, जो ध्वनि उस ब्रह्मांड की है, आपका शरीर प्रकाशमान हो जाएगा और आपके चारों तरफ हवा का भ्रमण, जो हम नहीं अनुभव करते, वो अनुभव होने लगता है। एक आवरण, एक नहीं, अनेकों आवरण, बहुत आवरण, बहुत परत हवा की हमारे चारों तरफ है, रहती है, भ्रमण करती रहती है, आपकी सुरक्षा का घेरा बनाए रखती है। तो उन आवरणों को भी जानना जरूरी है। एक प्रकाश, एक ज्योति के ऊपर भी कितनी लेयर होती हैं, आपने देखा होगा, रंग बिरंगी, लाल भी, नीले भी, काले भी, और भी अनेकों रंग की ज्योति के चारों तरफ परत होती है, लेयर होती है, आवरण होता है। उसी प्रकार आप भी एक ज्योति है और ज्योति के चारों तरफ एक सुंदर वायु का आवरण रहता है। उस आवरण को देखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए आपको थोड़ा सहज होना पड़ता है। आपके कानों में वो घंटियां ध्यान में सुनाई देती हैं, इष्ट आपका आपके आकाश में आपको नजर आएगा। पहले स्वयं को अनुभव करें, इस शरीर को शांत करें और फिर ध्यान धरें और समाधि में प्रवेश कर लें। आप चाहें, आपकी इच्छा मर्जी, लेकिन दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। लेकिन आप सुनते हैं लेकिन करने की इच्छा नहीं रखते। अपने दोनों हाथ जोड़ लें